नमस्कार। लगभग रात के 3:40 का समय है। 25 मई 2023 की तारीख है। वीडियो आपके समक्ष बना रहा हूं और लगभग 5 बजे के आसपास ये वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, चालू हो जाएगा। इस विषय पर वीडियो बनाने की ज़रूरत कभी समझी नहीं थी, लेकिन 2 दिन से लगातार कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स और ईमेल के माध्यम से इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए कहा गया था मेरे से, तो सोचा क्यों ना उन्हीं बच्चों के जवाब के संदर्भ में या उत्तर में इस वीडियो को बनाया जाए। हो सकता है इस वीडियो का लाभ 90% बच्चे ना ले पाए, क्योंकि एक कोचिंग आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से और ये सिविल सर्विसेज की कोचिंग है और ये कोचिंग 100% फ्री होती है उन सभी बच्चों के लिए जिनका भी चयन होता है इस कोचिंग प्रक्रिया में कोचिंग को लेने के लिए। केवल आपको रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस को सबमिट करना होगा और हॉस्टल की जो मेस की फ़ीस होती है वो देनी होगी 6 से 8 महीने की एडवांस में। बाकी और कोई फीस नहीं ली जाती है। सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होंगे 24 में उसको लेकर ये कोचिंग दी जाएगी, ठीक है, उसको लेकर ये कोचिंग दी जाएगी। और यह कोचिंग का प्रोसेस क्या होगा एडमिशन का, उसी की आपसे बातचीत करने के उद्देश्य ये वीडियो में बना रहा हूँ। पहली बात कि 25 मई 2023 यानी कि आज ही लास्ट डेट है इस कोचिंग के लिए आवेदन करने की। रजिस्ट्रेशन फीस ₹950 रखी गई है, ठीक है, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म है। अब आते हैं पूरी जानकारी। RCA रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। एक बात मैं पहले स्टार्ट कर दूं या स्पष्ट कर दूं कि अभी जो रिजल्ट आया है 2 से 3 दिन पहले UPSC का और लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया था UPSC का, उन दोनों ही कोचिंग में, दोनों ही रिजल्ट में इस कोचिंग से 46 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर भी 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और इस साल भी 23 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस कोचिंग से। तो इसी से पता लगा सकते हैं इस कोचिंग का स्तर क्या होगा। बेहतरीन कोचिंग की व्यवस्था है, बेहतरीन शिक्षक है, ठीक है, और ये जामिया इस कोचिंग को देता है। जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते हैं, और एक प्रकार से ये रेजिडेंशियल कोचिंग है, यानी कि आपको वहीं रहकर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहकर ही इस कोचिंग को लेना होगा। और पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा इस लंबे चौड़े वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेट्स को सुन लीजिए। पहली बात कि अप्रैल की 18 तारीख को इस कोचिंग को लेकर नोटिफिकेशन आया था और 20 अप्रैल से फॉर्म भरे गए थे। 25 मई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। और फॉर्म को भरने के बाद या भरते वक्त में आपको लगता है आपने कोई गलती कर दी है तो फॉर्म में करेक्शन या चेंजेस कर सकते हैं 27, 28, 29 मई 2023 के बीच में। दूसरी बात, अगली बात यह है कि 11 जून 2023 को सुबह 10 बजे से प्रवेश परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी, नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। उसी के साथ साथ 11 जून को सुबह 12 से 1 के बीच में इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सेकंड पार्ट की प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें एसे का जो पेपर होता है यानी कि जो निबंध बोलते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होता है, उसका भी एक पेपर लिया जाएगा। दोनों ही परीक्षाएँ देना मैंडेटरी है। इसके बाद जो बच्चे इन दोनों परीक्षाओं में पास होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के सेकंड वीक के आसपास में, 10 से 15 जुलाई के बीच में। और जो बच्चे एंट्रेंस में पास हो जाएंगे और जिनका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए 13 से लेकर 25 जुलाई 2023 के बीच में, उन बच्चों का इंटरव्यू कराया जाएगा। फाइनल रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा वेबसाइट पर। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बेस पर, क्योंकि इंटरव्यू भी होना है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू भी होगा आपका, और इंटरव्यू में कितने नंबर आए हैं, एंट्रेंस में कितने नंबर आए हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड को सब देखा जाएगा। ये सब जोड़ घटा करने का जो फाइनल लिस्ट बनेगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, 8 अगस्त को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी और 10 अगस्त को वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और 13 या 11 के आसपास से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी 2023 में, और अगस्त से लेकर मई सितंबर तक ये क्लासेस चलेंगे यानी कि मेंस एग्जाम तक, ठीक है। दूसरी बात कि प्रवेश परीक्षा 3 माध्यम में करवाई जाएगी। जो प्रवेश परीक्षा होगी 3 माध्यम में करवाई जाएगी। पेपर 1 है वो MCQ टाइप का पूछा जाएगा, पेपर 2 एक डिस्क्रिप्टिव एसे टाइप का होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन 3 भाषाओं के माध्यम से ये परीक्षा करवाई जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा।
इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कुछ सेंटर हैं इसमें, जहां प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। दिल्ली है, श्रीनगर है, जम्मू है, हैदराबाद है, और मुंबई है, पटना है, लखनऊ है, गुवाहाटी है, बेंगलुर है, और मालापुरम केरला है। ये इसके प्रवेश परीक्षा के लिए एंट्रेंस के सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ प्रवेश परीक्षा होगी और जो बच्चे प्रवेश परीक्षा में पास होंगे इनको इंटरव्यू के लिए दिल्ली ही आना होगा, इसका ध्यान रखिएगा। जो पेपर वन है खासकर उसमें जनरल स्टडीज यानी कि जीएस को लेकर ही सवाल जवाब होंगे, और पूरा सिलेबस जो यूपीएससी का है, सीसेट का इसे बोलते हैं, उसको आप तैयारी करिएगा। जो पैटर्न यूपीएससी के प्रवेश परीक्षा का होगा, सिलेबस उतना ब्रॉड नहीं होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे पहले पेपर में, और ऐसे टाइप में कितने क्वेश्चन होंगे उसको आप देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, यानी कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं, 100 में से मान लीजिए आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं आपने तो उसके 80 नंबर हो जाते हैं आपके अकॉर्डिंग। लेकिन उन 80 में से मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चन गलत हैं, 80 में से मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन गलत करे हैं, है ना, और एक 3 क्वेश्चन पे गलत होने पे 1 नंबर कटेगा, तो आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका बचेगा 10, ठीक है, तो आपके ऑटोमेटिकली 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे टोटल में से। 80 क्वेश्चन करे हैं, 30 क्वेश्चन तो गलत हो गए, बचे 50 क्वेश्चन, तो 100 में से 50 नंबर आपके आ गए और उन 50 में से 10 नंबर और माइनस कर दिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग वजह से, तो आपका टोटल स्कोर आएगा 40 out of 100 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि इसमें 100 सीटें हैं, केवल 100 सीटें इसमें रखी गई हैं, और प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा वो भी सुन लीजिए, ओबीसी कैंडिडेट, वुमेन्स कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट। मूल रूप से ये इन्हीं कैटेगरी के श्रेणी के बच्चों के लिए कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें साफ लिखा गया है माइनॉरिटी, एससी एसटी, वुमेन कैंडिडेट, ठीक है, ओबीसी गलती से मेरे मुख से निकल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। एक सवाल आपके मन में आएगा, क्या जनरल कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल करिएगा, ऐसा इसमें लिखा नहीं है कि जनरल कैटेगरी के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन तवज्जो या प्रेफरेंस एससी एसटी वुमेन और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि मेन एग्ज़ाम, इसको हम बोलते हैं प्री एग्ज़ाम, और जो आपका मेन और प्राइमरी दोनों एग्ज़ाम की कोचिंग दी जाएगी, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। और दोनों एग्ज़ाम के डेट्स का शेड्यूल भी मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है 24 अप्रैल 2024 को प्री होगा और सितंबर 2023 को मेंस रखा गया है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और लाइब्रेरी मिलेगी आपको 24/7 की, हॉस्टल मिलेगा आपको 24/7 का, मेस मिलेगा 24/7 का, यूनिवर्सिटी की अन्य सुविधाएँ मिलेंगी आपको। बस आपको जो मेस की फीस है 1000 रुपये पर मंथ रखी गई है, यही होती है लगभग, सेंटर में आपको इतना मेस सस्ता मिल रहा है इस बात को सोचिए, तो 5-6 हज़ार रुपये आपको एडवांस में मेस का ही देना होगा। खाने पीने तो बाहर से खाना खाएंगे, समय भी लगेगा आपका, क्वालिटी नहीं मिलेगी, महंगा मिलेगा, तो ये मेस फीस रखी गई है। और फॉर्म भरने की फीस 950 रुपये है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, फॉर्म को भरते वक्त में कोई तकलीफ दिक्कत आती है तो देख लीजिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, आज यानी कि 25 मई 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, समय उपलब्ध नहीं है, लगभग 5 बजे या रात्रि 12 बजे तक का समय हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक, सभी ज़रूरी बातें का लिंक मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको सुनने में समझने में कोई तकलीफ का सामना आपको करना पड़ा है तो संपर्क करिएगा। और फिर से कह रहा हूँ कि अप्लाई ज़रूर करिए, लास्ट डेट ही सही। अगर किसी एक बच्चे ने भी वीडियो को देखकर फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल मैं मानूंगा। और आपके जहन में कोई और सवाल हो किसी कोचिंग को लेकर, और जामिया ही नहीं बहुत से विश्वविद्यालय हैं भारत में जो फ्री कोचिंग करवाते हैं यूपीएससी की, लेकिन अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, और पूरी प्रक्रिया को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आपके पास कोई और डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ पुनः किसी और विषय के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए जय हिंद।